आ जाओ जल्दी से मेरे बेटा, चेक करो आप। चलो मैं हिलाती हूँ, छोड़ो आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है जी आप लोग खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आज जुमातुल मुबारक है जी, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। छत पे आए हैं जी, आज साहिबान उतरा हुआ है, रोशनी माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही है। स्मोक की वजह अक्सर मेरे मुँह से ना फोग निकल जाता है, सॉरी जी। स्मोक की वजह से ना सूरज जो है वो हल्का फुल्का नजर आता है, इतनी धूप नहीं है, इसलिए हमने साहिबान को फिर ऊपर नहीं किया आज। और इकबाल साहब ने अभी हमारा पानी नहीं खोला, इसलिए हम लोग यहाँ पे धो नहीं सकते, तो मैंने कहा चलिए आज तपड़ी से गुजारा कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे होता है जी, कोई डेट है पता नहीं क्यों इतनी स्पेशल हो जाती है कि एक डेट पे ना बुकिंग आ रही होती है। आज सुबह से बड़ी मसरूफियत रही है, अभी बड़ी लेट में ऊपर आई हूँ, मैंने कहा चले जाके थोड़ी सी सफाई करते हैं और कुछ खाने पीने का करते हैं, तो अभी फिर बुलावा आ गया जी, नीचे जाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे, अल्लाह पाक साहब को खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। तो अल्लाह के फजल व करम से आज बेगम ने सारी चीज़ें पहले मंगवा के रखी हैं, तो वो सुबह से पार्लर में हैं, तो अभी फिर दोबारा कस्टमर आ गए हैं तो वो पार्लर में चले गई हैं। तो बच्चे भूख भूख कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि हम खुद ही आज बनाते हैं, चलो हम बुला खुद ही शुरू कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप चमचा चलाओगे? चमचा से ही चलाना है। चलें जी फिर जल्दी जल्दी शाहदेव आप। मैं आई हूँ जी बाहर पार्लर से नमाज पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा जी आज फिर इन मर्दों ने व्लॉग शुरू किया हुआ था, तो अभी मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है पार्लर में से, क्योंकि वो बच्चियाँ लगी हुई काम करने, तो नमाज पढ़ने के बहाने में आई हूँ, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। असल में बात यह है जी कि महक फातिमा ना बहुत छोटी सी थी जब ना ये मेरे साथ काम करवाना शुरू हो गई, तो अभी बात वही है कि टाइम थोड़ा है, साथ साथ काम करती हूँ और फिर मैं आपके साथ अपनी जो है ना वो शेयर करती हूँ प्रॉब्लम भी, और साथ साथ कुकिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया जी तकरीबन 4:45 का। आज दो तीन दिन से हमेशा हमारे साथ यही हो रहा है कि शाम हो जाती है, हमारा व्लॉग लेट बनता है, फिर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे रात का व्लॉग जो है ना उसकी वो रिजल्ट नहीं अच्छा आता, इसलिए जी देर नहीं करते काम शुरू कर लेते हैं। इकबाल साहब ने चीज़ें ला कर रखी हुई तो हैं, मैं बच्चों को बता रही थी कि ये चीज़ें करो, पानी ज़्यादा है इसमें। तो आज इन्होंने प्लान किया जी बिरयानी का, तो चीज़ें भी बड़ी मुश्किल से मिली हैं, गोश्त नहीं मिल रहा था, जुमा था, शादियां हैं, शादियों का सीज़न है, तो फिर गांव में से गोश्त ही ख़त्म हो गया था, तो बच्चों ने ज़िद की है, बड़ी दूर से लेके आए हैं गोश्त जाके इकबाल साहब, तो मेरी पुरानी वीडियो निकाल निकाल के देख रहे थे और रेसिपी निकाल के सारी चीज़ें, तो चीज़ें सारी पता नहीं अब रखी हैं कि नहीं रखी। चलिए शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके जो फिर कम होगी आती जाएंगी। चलिए जी अब मैं आ गई हूँ ठिकाने पे, तो अब मैं इजी हो गई हूँ, अब आपके साथ गपशप भी करते हैं और साथ साथ काम भी होता रहेगा। मेरी मम्मी कहती होती है कि काम हाथों से करें और मुंह से बातें करें, खड़े होके बातें करना अच्छी बात नहीं होती, वेले होके। असल में जी कुछ साल पहले ना महक फातिमा जब 12 साल की थी, 11-12 साल की, तो मैं ना बड़ी बीमार रही हूँ, कुछ समझ नहीं आता था, टेस्ट भी सारे नॉर्मल होते थे और मैं ठीक भी नहीं होती थी,
तो मैं फातिमा ने तब बड़ा साथ दिया, उस टाइम पे कोरोना की वजह से छुट्टियां भी थी, बच्चे घरों में थे, तो मतलब घर का पूरी सफाई और किचन साफ करना, चाय बनाना, ये सब मैं उस वक्त तो थोड़ा बहुत खाना भी बनाने लगी थी, मगर फिर मैंने ही थोड़ा सा जब स्कूल खुले तो फिर खाना वाना नहीं थी उससे बनवाती, ना आटा गुनवाया, तो जैसे ना महक फातिमा खाना बनाना ना भूल सी गई है। तो ऐसी फिर आजकल जब सिचुएशन बनती है ना हमारे घर में आके कि मैं निकलती हूँ कभी पार्लर से लेट, कभी तो बाहर निकल वहाँ से बंदा थका आ रहा है, तो आके पता चले जी मामा भूख लग रही है, तो उस वक्त ना तो हिम्मत होती है और फिर तकलीफ भी बड़ी हो रही होती है कि बच्चों को भूख लगी है। इसलिए आज मैंने सोचा है कि महक फातिमा को फिर से जो खाना बनाना ना वो सिखाना चाहिए। वैसे तो उसके पेपर हो रहे हैं, लेकिन चलो जैसे अभी छुट्टियां हो गई हैं तो बंदा कुछ कर ही सकता है ना। तो बातें काफ़ी हो गई हैं जी, अभी पानी के नीचे मैंने चूल्हा जला दिया है और महक फातिमा ने बोला जी मैंने अगर बनाना है, पहली दफ़ा तो मैंने बिरयानी बनानी है, तो मैंने कहा चलो आप बिरयानी बनाओ लेकिन बनाओ सही आज कुछ। इसलिए जी आज बिरयानी बनाएगी महक फातिमा। मैं थोड़ी सी चीज़ें उसे सेटमेंट करके मैंने कहा दे देती हूँ ताकि उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना मिले। वैसे माशाल्लाह समझदार है, समझती है चीज़ों को, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत मैं सीधा पतरा कर देती हूँ जितनी देर मेरे पास टाइम है। महक की मामा चली गई जी पार्लर में दोबारा, लड़कियों ने फिर बुला लिया, तो हम ये पानी में मुझे कुछ बता के चली गई हैं। महक को लगाया टमाटर काटने पे और मैं जो है ना ये पानी में डालने लगा हूँ चावलों के लिए जो है ना मसाले वगैरह। तो क्या क्या बता के गई हैं महक? अच्छा जी बादियान के फूल डालने हैं, कितने, तीन फूल डालने हैं, तीन चार बादियान के फूल। अच्छा जी डाल दिए। अब मोटी इलायची डाल दी जी, दो और दो चार इलायची डाल दी और सब्ज इलायची थी यहाँ पे बिस्मिल्लाह। चलो जी चार पांच इलायचियाँ सब्ज भी डाल दी हैं। तो चलो ऐसा ऐसा इस तरह फिर आ जाएगा जी कुछ बनाना। तो ये तो लौंग है ना, ये भी डालने हैं। अच्छा जी तो अब डालनी है काली मिर्चें पांच, ये भी डाल दी, नहीं थोड़ी सी डाल। चलो शाहेब आप जल्दी जल्दी ना वो ले आओ जरा चावल। अभी हम लींबू डाल लेते हैं जी, यहाँ पे कुछ भूल गया तो फिर बेगम को बुला ले। बेगम से रेसिपी का पूछा फ़ोन करके, तो वो कहती हैं कि नींबू का रस डालना था निचोड़ के, तो मैंने सावर नींबू काट के डाल दिए। चलो कोई बात नहीं, वक़्त भी पता चल गया, अगर ना पूछता तो फिर ऐसे ही जाने थे साथ ही। ये देखें जी नींबू मैंने ना काट के डाल दिया। थोड़ा सा पानी ला दो, पानी ला गिलास में। अब जी महक ने कोरमे में पानी डाला और कोरमे को पकाया कि 10 मिनट, और उसके बाद चावल तो महक पहले पका ही लेती है, तो मेरी नमाज का टाइम हो गया, अज़ान हो चुकी है, तो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो फिर मैं आता हूँ आपसे। तो महक कह रहा आप सही सही करना ठीक है। Thank you.
अभी तक नहीं चावल पके। बस महक देख देख के आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई थी, तो क्या कह सकते, काम ही ऐसे है। इसीलिए मैं ऐसे कुकिंग की तरफ नहीं लगाती हुई कि एक अंडा भी बनाना होना पूछे कि मामा जी नमक कितना, मिर्ची कितनी, घी कितना, अभी क्या करना है, क्या करके लाई हूँ, पानी चावल बाल बाल कर लाया और कोरमा रखा हुआ है। कोरमे का क्या बना, चलो कोरमा की खुशबू तो बड़ी प्यारी आई है, लग भी सही रहा, पानी खुश हो गया कोरमे का, थोड़ी चांस चेंज करो ना आजकल। ठीक है चावल डाल दो, छोटा मैं डालती हूँ, मैं डाल देती हूँ, मैं डालती हूँ ना, नहीं मैं डालूंगी। सही है जी, मैं बात पर पूरा क्रेडिट दे देना चाह रही, गिराना ना ये गरम है, इसको नीचे रखती हूँ, जल्दी चाहिए हर एक दफा चमचा हिलाओ, जरा थोड़ा पानी लग रहा है मुझे, आराम से हिलाते हैं, रोटियाँ टूट जाती हैं ज़्यादा देर। ठीक है अभी थोड़ा सा पानी है, धीरे चूल्हा करो, चूल्हा कम नहीं ना करके जाती तो अब तक पानी खुश्क हो जाए। मैं नमाज पढ़ने चली गई थी इसलिए मैं स्टोव कर दी। अच्छा इसलिए लेट हुआ है, चलो चावल धो लो, बिस्मिल्लाह मैं क्लीन करती हूँ। चलो ऐसे पिलाती, जो कोई अगर जोड़े भी हो ना तो उनको हल्का सा चमचा मार के ना तो फिला देना। ठीक है आपा साहब जी, जी मेरी एक बात सुन लो। क्या? अगर बिरयानी मदद करनी हो ना बनने तो मुझे बाजार से मंगवा के दो। ठीक हो गई, ठीक हो गई। आपा साहब जी मेरी एक बात सुन लो, अगर बिरयानी मजे के ना बनी तो मुझे बना के दोगी, बाजार से मंगवा के, आपा ही सारे काम करती है ना आपके, आप दुआ करो सही बने, आपने साथ रहना था ना, बनवानी थी सही। मैं डाल देती हूँ महक, चलो मैं डालती हूँ, पूरी डाल दें सारे, छोड़ो मैं डाल दी, देख जा भी छोटा लेके बैठे हुए आप लोग। ये बर्तन उठाओ गजरी, चले जाओ मजे की बनेगी इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लो। बस 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 बहुत, अब तुम्हारी मामा आ गई है ना तो सही बनेगी। चल आजो आजो जल्दी से मेरे बेटा, चेक करो आगे, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह कलर फैल गया ना, पोना लाई नहीं हूँ, चलो बिस्मिल्लाह करके नीचे से निकालो ना बोटियाँ, डर डर के हाथ लगा रही है, बिस्मिल्लाह। फातिमा डर रही थी जी चमचा हिलाते हुए, तो इसलिए मैंने उठाया, मैंने कहा मैं खुद ही करती हूँ। असल में जी आज हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हमने ब्लॉग जो है ना वो लेट शुरू किया, असल में नाश्ता ही लेट हुआ था, बच्चे बस सोते रहे हैं छुट्टी की वजह से। तो आप लोग जी जैसा भी ब्लॉग बना फिर आज कबूल कर लीजिएगा इंशाल्लाह, कल से हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम पे ब्लॉग शुरू करें और टाइम पे ही अपलोड करें। तो बिरयानी जी माशाल्लाह खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, थोड़े से ना चावल ऐसे लगते हैं जैसे ज्यादा गल नहीं, लेकिन ठीक है सही है, कुछ महक ठीक है, महक थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी, कह रही मामा थोड़े से ढीले लग रहे हैं, लेकिन वो ना जैसे ही इसने ढक्कन उतारा फौरन चमचा मार दिया, इस वजह से शायद उसको लगे। तो ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल किसी और अच्छे से ब्लॉग में, आप अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल, मैं भी बोलते वक्त ना लुड़करा रही हूँ क्योंकि इतना अंधेरा छा चुका है ना, मुझे टेंशन लगी हुई है कि अभी मैंने वीडियो एडिट करनी है, पता नहीं उन्होंने किया भी क्या कुछ है वीडियो में, और फिर अपलोड भी करनी है टाइम पे। तो मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह कल किसी और अच्छे से व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।